तो अभी देखिए हमने पशु भी अंदर बांध दिए हैं और कुछ खोर में घास पड़ा हुआ है जिसे भी रात भर में खा लेती हैं। जब ऐसा होता है रात भर में हम उनकी खोर में से घास नहीं निकालते हैं, कभी कभार छोड़ देते हैं, कभी कभार साफ कर कर भी छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पर रट्टी जी पल छोड़ रहे थे, तो देखिए पहले एक साइड सामने ही पल था, तो साइड में जो पल है वो मैंने सर्दियों में मम्मी और रट्टी जी से बोला कि साइड में भी पल बांध दो, इधर से भी हवा लगती है। तो ये है देखिए, जब हमें सर्दी लगती है तो ऐसे ही नहीं भी लगती है। तो अभी यहाँ पर वे पल छोड़ने लगे हुए थे और मैं खड़ी हुई थी यहीं पीछे। तो उसके बाद अभी मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पर मैं रख रही थी संदूक में कपड़े। तो जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में पता लग चुका है, आज वाली वीडियो में तो मेरी बहन और भनोई आए हुए थे, तो देखिए और मेरे भैया आए हुए थे घर से। तो जब कोई गेस्ट आता है तो कपड़े वगैरह तो निकालने ही पड़ते हैं, सर्दी है सर्दियों के कपड़े रजाई वगैरह निकाले थे, तो अभी हम उन्हें उठा कर रख रहे थे। तो यहाँ पर राठी जी खड़े हुए थे पहले संदूक पकड़ कर, तो मैं उन्हें तय बना बना कर रख रही थी। और अवनी को तो आप जानते ही हो, अपनी अवनी को तो अपनी मस्ती चल रही थी, अवनी तो अपनी मस्ती में मगन रहती है। तो यहाँ पर मैं अभी बिस्तरे लगा रही थी, मैंने सोचा कि चलो वो जा चुके हैं तो इन्हें उठा कर रख देते हैं। अमनी इन्होंने खुद डोंगा धरो हो, हमने हटाया उन्होंने इनसे बत्तर बिठा भाई की। तो वो दिखाओ बंदे ने मुझे किनारा। तो अभी मैं यहाँ मम्मी जी के कपड़े बिछा रही थी, तो शाम का समय हो रहा है, देखिए शाम का क्या, अभी रात के बजे हैं 8। तो हमारा खाना पीना तो सब हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी जी की खाट बिछा देते हैं। रखो इस बार को टाइम। हाँ चल ले भाई, अपनी की घड़ी तो 5:17 हो रही है, टाइम तक दे रही छुट के हो रही है भैया, हो रही है बोल। तो चलिए मम्मी जी की खाट बिछ गई है, तो गैस साफ भी हो गई है, चाय बना लेते हैं और कारों की बोतल उबाल लेते हैं। तो आज तो मैंने आप लोगों से बात भी नहीं की है, आज भी देखिए अभी मैंने यहाँ रख लिया है पानी और उसमें आ चुका है हल्का हल्का सा उबाल, तो अभी मैं डाल लेती हूँ इसमें चाय की पत्ती। Yeah.
तो चलिए अभी इसमें अदरक भी डाल दिया है। तो आज चाय कुछ अलग तरह की है, तो शाम को चाय पीने की हमें तो आदत ही है, दूध नहीं है तो इसलिए। अब देखिए दूध होता है अगर, तो हमें तो देखिए शाम की चाय की आदत हो रही है, तो अदरक भी डाल दिया है। तो अभी मैं इसमें चीनी भी डाल देती हूँ। तो देखिए उबाल आ चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी भी डाल चुकी है, तो कुछ चाय आज स्पेशल है, अलग तरीके की बना रही हूँ। चीनी भी डाल दिया, मेरी चाय बनने लग रही है। देखिए मुझे बुखार हो रहा लाटी जी, अभी मन नहीं कर रहा कहीं को, बुखार मेरी गुंठी में देखे चमक मार दी। ऐसी वैसी बात थोड़ी ना सुनने की गुंठी क्लेचर छोटे पे क्लेचर लगाया तू छोटे ये तो छोटे वाले वो है क्लेचर। तो मैं दिखाऊं हाँ, पड़े बीमार उन तो मैं ले फिरती हूँ। एक मेरी चल क्यों रहा हो जाए एकदम। ये काला कोका कहाँ से आ गया, काले कोके अरे भूले कोके ये लच्ची जी कले है भूला कोका। चलो बेटे बाय, चलो चाय में दूध डाल लेते हैं। चाय में दूध भी डाल दिया है मैंने, तो बस देखिए अब इसमें उबाल लग जाएगा। काफी अच्छे से उबाल कर चाय बना रही हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से चाय बनाकर पीती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है पीने में। तो आप लोग भी ट्राई कर देख सकते हैं एक बार, इस तरह से चाय बनाकर। मुझे तो अपना बता रही हूँ मैं, अब अपना वो बता रही हूँ कि मैं इस तरह से कभी कभार पी लेती हूँ, बहुत स्वाद लगती है। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मेरी चाय बन चुकी है और मैंने चाय डाल ली है दोनों में। चलिए चाय दे करते हैं अभी। तो सबसे पहले चाय मम्मी को जाएगी, मम्मी नहीं आती है कैमरे में। तो चलिए मम्मी को तो चाय दे दी है, तो अवनी और रठी जी को भी दे देते हैं। लो जी चाय जी, तो इन दोनों जनों को तो दे दी है मैंने चाय, मैं भी पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे भी चाय, अपनी चाय छानने के लेने के बाद। तो मैं अपने लिए भी चाय ले लेती हूँ। तो दूध पकाया है मैंने, देखिए दूध भी पक चुका है, इसे भी रखना है अभी उठाकर। कायरों की बोतल भी पक गई है, चाय भी बन गई है, तो लगभग उनका सारा काम फिनिश हो गया है। और गैस भी साफ़ कर दी है मैंने, देखिए गैस की चौकी भी साफ़ कर दी थी, उसके बाद ही मैंने चाय बनाई है और दूध पकाया है और बोतल उबाली है। क्योंकि देखिए दिन में आज उठी नहीं मैं, तबीयत ख़राब थी, तो कल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हाँ बाबू जी केला अभी ला ली बेटे। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद, नहीं चाय पीते हैं आपके साथ। तो अभी तो सच्ची है, तो देखिए काफ़ी टेस्टी लग रही है शायद, रठी जी बता रहे हैं, मैंने तो नहीं पिया अभी, तो मैं पी के बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत अच्छी चाय बनी है। इसका उल्लू बना गए हैं। अभी इस वीडियो का मैं एंड कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कल सालगिरह पर मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो अभी मैं चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मुझे सालगिरह पर क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दो गिफ्ट मिले हैं जो बहुत कीमती है मेरे लिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा ये शाम का जो आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो जो मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया है तो शाम का सारा जो काम जाता है उसके बाद की है। तो
तो क्या होता है जब खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद जो मेरा बाद का रूटीन रहता है वो शेयर किया है मैंने आज आप लोगों के साथ। तो सोचा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ उसके बाद और कितना काम होता है जो मुझे करना पड़ता है। तो मुझे सालगिरह पर 2-3 गिफ्ट मिले हैं जो मैं आप लोग कुछ गिफ्ट मिले हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जो आप ओम देख रहे हो ये चाबी टांगने का है, ये मेरे भैया ने, ये मेरे छोटे भैया ने मेरी शादी की सालगिरह पर मुझे गिफ्ट किया है। तो मायके से मेरे भैया ही आए थे छोटे वाले, बड़े भैया भाभी नहीं आ पाए क्योंकि बड़ी भाभी की तबीयत खराब थी, उन्हें बुखार हो रहा है। देखो ये मेरी मम्मी की चाली है, खोल के दिखा दे। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, तो मुझे राठी जी ने बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मुझे आज राठी जी ने वो दिया है जो मैंने अब से करीबन 1 साल पहले उनसे बोला था मम्मी। तो मुझे आज साड़ी गिफ्ट की है, तो ये देखिए पिंक कलर में है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मेरा कद्दू भी यहीं बैठा है, मेरा कद्दू मेरे बिना नहीं सोता। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है। तो करीबन 1 साल पहले मैं एक शादी में गई थी जहाँ मैंने एक लेडीज़ को ये साड़ी पहने हुए देखा था। तो मैंने इनसे बोला था कि राठी जी सेम मुझे ऐसी ही साड़ी दिलाना। तो देखिए कितना प्यार करते हैं वो अपनी वाइफ से, उन्होंने इस बात को कितना याद रखा। आज मेरी शादी, सॉरी, उन्होंने इस बात को कितना याद रखा और शादी की सालगिरह पर मुझे वो साड़ी गिफ्ट की। तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड को 1 साल पहली बात याद थी और उन्होंने आज, सॉरी, 1 साल पहली बात याद थी उनके और इतने टाइम बाद मेरी सालगिरह पर उन्होंने मुझे ऐसा तोहफा दिया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि जो मैं चाहती थी, जो साड़ी मैंने देखी थी तो काफ़ी ढूंढ कर काफ़ी परेशान होकर वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो कितनी दुकानों पर देख कर उन्हें ये साड़ी मिली है, बहुत ढूंढ कर मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। देखिए गिफ्ट की तो ऐसी बात होती है, तो देखिए गिफ्ट की तो ऐसी बात होती है, गिफ्ट से कुछ नहीं होता है। गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट तो हम एक दूसरे को दे देते हैं, पहन लेते हैं, रख देते हैं। सबसे बड़ी अनमोल चीज़ होती है अपने हस्बैंड का साथ, अपने घर परिवार वालों, फैमिली वालों का प्यार। तो देखिए मेरे लिए मेरे हस्बैंड का साथ ही गिफ्ट है, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने इतना सब कुछ याद रखा कि मेरी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बोला था तो उन्होंने मौका देखा, टाइम देखा और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट कर दिया। तो इस बात से मैं थोड़ी खुश भी थी, और तबीयत तो मेरी आज सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो कल आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं आपको बता चुकी थी। तो मुझे अब भी चक्कर आ रहे हैं, मुझे बुखार भी और मेरी आंखें भी बहुत सूज रही हैं। बिट्टा जी ना तो आपने जर्सी पहनी ना कैप डल लिया, अभी इसको देख लो मेरे साथ ही सोएगी, जब तक मैं नहीं सोऊंगी नहीं सोती है। कायरो बाबू सो चुके हैं और मम्मी हस्बैंड भी लेट चुके हैं, तो अभी हम बच्चे अपनी और मैं रह गए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है, हस्बैंड का साथ। अब परिवार वालों का साथ, जिस परिवार में आप रहते हो, जाकर शादी होने के बाद आप एडजस्ट करते हो, वो सबसे ज़रूरी होता है आपके लिए। तो मेरे लिए तो मेरा तोहफा मेरे हस्बैंड ही है, उनसे बढ़कर कोई तोहफा नहीं है। हम अब तो देखिए वो मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखो मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार कर रहा है, इसलिए साड़ी लाए मेरी मम्मी की पसंद की। देख लो कितना प्यार करते हैं। तो देखिए तोहफे का क्या होता है, तोहफे तो अलमारियों में वैसे हो तो पहन लेते हैं, बस ये है हस्बैंड ही, अगर हस्बैंड का साथ हो तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं खुश हूँ इसको देखकर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसी लगी आप लोगों को मेरी साड़ी। तो चलो फिर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अच्छी सी वीडियो के साथ। एक बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर मैं आपसे धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताइए। तो कैसे लगे आप सबको मेरा गिफ्ट, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी की सालगिरह या बर्थडे है तो मैंने ना विश किया हो तो उसके लिए सॉरी,
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय। तो देखिए मैंने कुछ ही कमेंट पढ़े आज, पूरे भी नहीं पढ़ पाई हूँ अभी। नूतन बुल्ला कैसे हो? बोल लो आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अब नहीं आप लोगों से बात करें। तो देखिए आज मैंने सारे कमेंट नहीं पढ़े हैं, थोड़े बहुत ही पढ़ पाई हूँ। अगर आपको वीडियो जरिए से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो तब कमेंट करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।